तुम कभी अच्छा नहीं सोच सकते हम लोगों के बारे में? जैसे तुम लोग हो ना नेगेटिव, वैसा ही सोचता हूँ। तो इसको पता नहीं क्या तकलीफ है। बीवी है तुम्हारी, आंखें फिकर हो रही होगी। किसी को मेरी फिकर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर इतनी नफरत है तो निकाल के फेंक क्यों नहीं देते? निकाल दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुद ही चली आऊंगी। इतना फालतू नहीं हूं मैं कि कोई भी आ जाए। अच्छा बैठ तो जाओ, थोड़ी देर बातें। छोड़ो यार, चिपका नहीं करो मुझसे, दिमाग मत खराब किया करो, और ये पीछे रह के बात किया करो मुझसे। जाओ जाके दरवाजा खुला है वो बंद करो, छोटा कुआ जाएगा। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे पेंट से चेक मुद्दा को अगर दे दिया तो आपको क्या लगता है मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको मैं भूल जाऊंगी? देखिएगा, एक एक से हिसाब लूंगी मैं। इसमें मेरा क्या? नीचे आने का एक ही नुकसान है, इन दोनों के नजारे देखने को मिलते रहते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया ना इस सब में, अपने पेरेंट्स से जाके बात करो। कहां चले गए थे तुम? हद होती है बेशर्मी की। तुम्हारा सास ससुर तुम्हारा यहां इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा आना तो दरकिनार, तुमने फोन तक नहीं उठाया। मर गया मैं फोन करते करते तुम्हें। ये सब लोग मुझे जलाने के लिए रह गए हैं क्या? अरे कौन जलाने के लिए आया था तुम्हें? ये जो ये घर आए थे हमारे, और क्यों आए थे ये? अरे भाई चेक देने आए थे, चेक दिया और चले गए। एक तो जबरदस्ती अपनी बेटी मेरे सर पर थोप दी, अब मेरा मुंह बंद कराने के लिए मुझे पैसे दे रहे हैं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अब्बा आप उनका चेक वापस करें उनको। इतनी अच्छी लड़की तुम्हें हाथ पांव चलाए बगैर मिल गई ना? अच्छी लड़की? अरे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं ऐसी लड़की से शादी करने के लिए। मुझे नहीं करनी थी ऐसी लड़की से शादी जिसकी वजह से जिंदगी भर मुझे ताने मिलते रहे। बकवास मत करो, वो बहुत शरीफ और सीधी लड़की है, वरना तुम्हें सीधा कर देती वो। अच्छा जरा करके तो देखे, दिन में तारे दिखा दूंगा इसको। पागल हो गए तुम? साजदा, साजदा समझा लो अपने बेटे को। मैंने अगर इसका दिमाग ठीक किया तो सारा घर वाले देखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है खालिद, मैं करती हूँ बात, आप गुस्सा मत करें। अभी थके हारे आए हैं, आते ये झंझट। पता नहीं लोगों के पास भी इतना वक्त है कि बगैर बताए चले आते हैं। अब तुम शुरू हो जाओ ना, चेक मिल गया ना? अरे हाँ याद आया, अब अभी तो ये सोचना है कि इन पैसों का करना क्या है। चाय पिए, ठंडी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू एयरवाय डिजिटल्स यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू ऑल द न्यूज़ एंड अपडेट्स।